आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 24वां अध्याय। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इसराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इसराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खम्भे भी बनवाए। तब उसने कई इसराइली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इसराइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इसराइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इसराइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पाटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बात जोहते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा।